अरे देवा रे देवा, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दिल्ली लगातार दूसरी बार हार गई और गुजरात ने दिल्ली की फाड़ गई घर से गला। नमस्कार जय हिंद, मेरा नाम है एमएस और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमएस क्रिको तंत्र पर आईपीएल स्पेशल। इस आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स का दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन इस आईपीएल भी गुजरात ने क्या खेला है और क्या पेला है यार, क्यों राहुल जी? भाई मजा आया। अब तो हमारे अमित जी भी कहेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। दिल्ली को पहले लखनऊ ने हराया और गुजरात ने हार का मजा चखाया। गजब बेइज्जती है। आईपीएल सीजन 16 का सातवां मैच खेला गया गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, वो भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। लेकिन दिल्ली अपने घर में भी हो गई टाइट टाइट फिश और पांड्या भाव ने साबित हुए एक बार फिर 21। तो चलिए देखते हैं इस मैच में क्या हुआ। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो दबा के लाइक ठोकिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। टॉस जीता पांड्या भाव ने और किया फैसला बॉलिंग करने का, और एक बार फिर लाला मियां ने अपनी गेंद से कहर बरपाया और जल्दी तीसरे और पांचवें ओवर में पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श का विकेट उड़ाया। तो दूसरी तरफ से अल्जारी जोसेफ ने वार्नर और रूसो के एक ही ओवर में पेवेलियन का रास्ता दिखाया। 67 रन तक पृथ्वी, मार्श, वार्नर और रूसो डगआउट में आराम करने चले गए। वार्नर ने 37 रन बनाए। आखिर में करमाती खान ने भी दिल्ली के तीन खिलाड़ियों को आउट किया। वो तो भला हो सरफराज खान, अभिषेक कोरेल और अक्षर पटेल का, जो टीम के स्कोर को कुछ समान जन्नत तक पहुंचाया। और दिल्ली ने 8 विकेट पर 162 रन बनाए, जिसमें सरफराज खान 30, अभिषेक कोरेल 20 और अक्षर पटेल ने 36 रन बनाए। 163 रन का लक्ष्य गुजरात के सामने कोई बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन ऑर्निक नोकिया ने तीसरे ओवर में पहले शाह को क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं पांचवें ओवर में शुभमन गिल की भी गिल्लियां उड़ा दी। लेकिन बैटिंग करने आए शाय सुदर्शन मानो अपने हाथ में बल्ला नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र लेकर आए हो। नोकिया के एक फ्री हिट गेंद पर स्कूप से छक्का लगाकर बता दिया इस खिलाड़ी में दम है गुरु। इंपैक्ट प्लेयर खलील अहमद ने कप्तान हार्दिक पांड्या को कॉट बिहाइंड आउट कर पावर प्ले में गुजरात को तीसरा झटका दे कुछ अपना इम्पैक्ट दिखाया। जबकि बल्लेबाजी करने आए गुजरात की तरफ से इंपैक्ट प्लेयर विजय शंकर ने भी अपना इंपैक्ट छोड़ा और 29 रन बनाकर टीम को जीत के नजदीक ले गए। जबकि साई सुदर्शन को कोई भी गेंदबाज परेशान नहीं कर सका और वो अपना 50 ठोक गए। विजय शंकर को आउट किया मिचेल मार्श ने, लेकिन इसके बाद आज ही टीम से जुड़े बैटिंग के लिए आए किलर मिलर मानो वो अपना फॉर्म साउथ अफ्रीका से ही लेकर आए। आते ही मानो जैसे मिलर का तूफान आया और 16 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 31 रन बना गए और अपनी टीम को 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर 6 विकेट से जीत दिला गए। इस आईपीएल का 8वां मुकाबला खेला जाएगा आज राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि 8वां मुकाबला जीतेगा कौन, राजस्थान या पंजाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।